नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिला में अमृत महोत्सव के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो सीतामढ़ी के द्वारा आज बापूधाम मोतिहारी स्टेशन परिसर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह के तहत 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार एवं जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, श्रेष्ठ अनुपम सदर अनुमंडल पदाधिकारी अरुण कुमार प्राचार्य मुंशी सिंह, महाविद्यालय मोतिहारी के राकेश त्रिपाठी, स्टेशन अधीक्षक बापूधाम मोतिहारी आरपीएफ कमांडर पंकज कुमार गुप्ता, केंद्रीय संचार ब्यूरो सीतामढ़ी के ग्यास अख्तर सहित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा सरदार पटेल की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किए गए। उनके बाद दीप प्रज्वलित करके चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ एवं अवलोकन किया गया। फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पंजीकृत दल जहांगीर कव्वाल दरभंगा के द्वारा देशभक्ति गीत गाकर आज़ादी के दीवानों को याद किए गए। साथ ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विजेताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार किया गया। साथ ही 2 दिवसीय आयोजन के दौरान चित्र प्रदर्शनी समेत अन्य कई कार्यक्रम भी होंगे। वही इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जावेद अंसारी ने कहा कि इस चित्र प्रदर्शनी के द्वारा सरदार पटेल की जीवनी को आज तक जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग देश के प्रति सरदार पटेल की योगदान को याद किया जा सके। उनके द्वारा भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके। वही इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत का एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रबल नेता थे और संवैधानिक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल अगर न होते तो आज भारत एक सूत्र में बंधकर एक भारत श्रेष्ठ भारत न जाना जाता। सरदार पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सरदार पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर सरदार पटेल एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकता सूत्र में भारत को बांधने वाले प्रबल हम लोगों के नेता थे और संवैधानिक व्यक्ति थे, और सरदार पटेल अगर न होते तो आज भारत एक सूत्र में बांधकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में न जाता। और सरदार पटेल के उद्देश्यों को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इसे और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। भारत सर्वशक्तिमान गतिमान भारत हो रहा है। अब हम लोग अमृत वर्ष से अमृत काल में जा रहे हैं, और अमृत काल में, अमृत वर्ष में तो अधिकार की लड़ाई लड़े, लेकिन अमृत काल में हमें कर्तव्य की लड़ाई लड़ना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, भारत सरकार के द्वारा ये 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका प्रमुख विषय है एकीकरण के शिल्पी सरदार पटेल ने भारत को एकीकरण में अपनी जो योगदान दिया और उनकी जीवनी के बारे में ये चित्र प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया गया है, और ये कल तक चलेगा। आप आइए और सरदार पटेल के जीवनी के बारे में उनके फोटो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। जावेद अंसारी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, सूचना प्रसारण मंत्रालय।